मैं विनय राज त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है। क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा है इस बात पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, कोई भी चीज़ ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है। वो परिस्थितियों के कारण, कुछ कंडीशन होती हैं, उनके कुछ शर्तें होती हैं, उसके आधार पे वो अच्छी और बुरी की कैटेगरी में गिनी जाती हैं। कि क्रेडिट कार्ड की कई सारी खूबियां हैं और कई सारे उसके सारा नुकसान भी है। अब हम फायदे की बात करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि आपको किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को खरीदने की आज़ादी देता है, या फिर कई सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप विदेशों से परचेस करना चाहते हैं, तो वो केवल क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करके आपको उन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, आप हमेशा कर्ज में बंधे रहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आपको ऑफ़र तो देते हैं, ऑफ़र क्या देते हैं कि आप कोई सामान खरीद लीजिए, उसके पैसे आप 40 दिन में दे दीजिए। अलग अलग कार्ड्स के हिसाब से अलग अलग दिन निर्धारित होता है, अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग आपको ऑफ़र देती रहती हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो परचेजिंग पावर हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। आपके पास पैसा रहे ना रहे, उससे आप क्या करते हैं, कोई सामान दिखा, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है तब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी करने लगते हैं। आपकी इनकम कितनी है, क्या वो मेंटेन हो रही है कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की वजह से ख़रीदारी कर लेते हैं और फिर उसका इंस्टॉलमेंट अपने इनकम से धीरे धीरे करके भरते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, एक वर्ड होता है रैट रेस, चूहे की दौड़, क्या उस दौड़ से आप बाहर निकलना चाहते हैं? अगर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी आर्थिक स्वतंत्र हों, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, आप भी आर्थिक आज़ादी चाहते हैं, तब आपके लिए क्रेडिट कार्ड सही नहीं है। एक बात आपको गौर करनी ज़रूरी है कि ये जो कंपनियाँ क्रेडिट कार्ड हमें देती हैं वो किसे देती हैं। आपका अगर अकाउंट, आपके अकाउंट में इनकम नहीं है, आपका जो बैंक बैलेंस है या जो बैलेंस शीट है, जो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप में इनकम सोर्सेज नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे कम हैं, नाम मात्र के पैसे हैं, अर्निंग सोर्सेज नहीं हैं, तो क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। क्रेडिट कार्ड उसको मिलता है जिसकी अर्निंग होती है, जिसके बैंक खाते में 10 से 20 हज़ार रुपये हर मंथ आते हैं, जिसकी सैलरी होती है, उसको ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऑफ़र करती हैं और ज़्यादातर उन्हीं लोगों का क्रेडिट कार्ड होता है। भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो ख़रीदारी कैसे करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कर्ज लेकर कैसे चुकता करेगा? तो कंपनियां भी ये श्योर कर लेती हैं कि सामने वाला बंदा जो 20 हज़ार हर महीने कमा लेता है, तो ये 20 हज़ार कमाता है तो इसका पैसा हम कैसे खर्च कराएंगे, तो इसकी परचेजिंग पावर बढ़ा दीजिए। अगर 20 हज़ार कमाता है तो 70 हज़ार और 1 लाख तक की जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसको परचेस कर पाएगा। तो परचेस पावर करने के लिए ये कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हाथ मिलाई रहती हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दीजिए अकॉर्डिंग टू क्रेडिट कार्ड, और इस तरह से आपके गाढ़ी कमाई को, आपकी कमाई जो आप बचा के अपने भविष्य के लिए, अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए रख सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड क्या करती हैं, उनको खा जाती हैं और आपको एक रैट रेस में फंसा के रख देती हैं। उस चूहे की दौड़ जिसको आप कहते हैं ना कि हमेशा आप काम करते रहेंगे और कमाते रहेंगे और कंपनियों के इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, ये जो आपने कर्जे ले रखे हैं उसको भरते रहेंगे, तो इससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते और कभी आप आर्थिक आज़ादी नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी आर्थिक आज़ादी आपको मिले, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएं, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। आप फिर भी कहेंगे कि हम हमेशा नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, हमेशा नहीं के फेवर में रहते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपके किसी तरह के क्वेश्चन हैं, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।